29 अक्टूबर रविवार का दिन है। ग्रहण समाप्त हो चुका होगा और ग्रहण के बाद छत पर आपको ये काम करना है, ये चीज़ रख देनी है। ग्रहण के सभी दुष्प्रभाव मिट जाएंगे क्योंकि छत राहु का प्रतीक होता है और राहु को ग्रहण से जोड़ा जाता है। तो आपको क्या करना है, क्या चीज़ रखनी है, इसका संपूर्ण विवरण लेकर उपस्थित हुई हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूं। जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करना। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। छत राहु का प्रतीक है और बेसमेंट केतु का प्रतीक है, लेकिन आज राहु के ही उपाय बताएंगे क्योंकि राहु ग्रहण का मुख्य कारक होता है और राहु की वजह से ही सारे बंटाधर होता है, मानव जीवन में उथल पुथल होती है, एक्सीडेंट दुर्घटना होते हैं, उथल पुथल होती है जीवन में, भूकंप इत्यादि भी राहु की देन होती है। छत पर आपको जौ चारों दिशाओं में बिखेर देने हैं, आउटलाइन करके रखनी है, छत के दीवार के सहारे सहारे जौ बिखेरने हैं। इसके अलावा आप सिक्के भी आउटलाइन बना कर रख सकते हैं और आप चाहें तो अफोर्ड कर सकते हैं तो गोमेद भी चार की संख्या में छत के मध्य भाग में रख दीजिए, ये ऑप्शनल है। उड़द, साबुत उड़द से बना हुआ मतलब का भरा हुआ कटोरा अगर आप चारों कोनों में रखते हैं छत पे तो आपकी राहु की शांति होती है और आपकी ज़िंदगी में कोई बखेड़ा नहीं खड़ा होता और ग्रहण के दूषित प्रभाव आपको न्यूनतम मात्रा में मिलते हैं या नहीं ये बराबर मिलते हैं। राहु की ये विशेषता है या खासियत है, ये शुभ या अशुभ प्रभाव अचानक के साथ देता है और तीव्रता के साथ देता है। ये गुण केतु में भी है तो आपको ग्रहण काल में, अभी चालू हो जाएगा थोड़ी देर बाद ग्रहण, और वैसे तो 1:05 से चालू होगा लेकिन 11:30 से भी उसका प्रभाव चालू हो जाता है, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए और भोजन इत्यादि सूतक काल में तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप नहीं रह सकते भोजन किए बिना तो आप 10 तक भोजन कर लीजिए या 11 तक भोजन कर लीजिए। आपको राहु मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम रांग राहु वे नमे का जाप करना चाहिए ग्रहण काल के दौरान, इससे आपको फ़ायदा होता है। छत पर आप जो आपके पास अवेलेबल है वो रखना चाहिए, लेकिन अगर आप सरसों छिड़कते हैं बिखेरते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, आप लोबान जलाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, तिल के तेल के छींटे देते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, आउटलाइन हल्दी की करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, नागर मोथा भी बिखेर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, इनमें से कोई भी आपके घर में अवेलेबल हो उसको छत पे बिखेर दीजिए और देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन से नेगेटिविटी का खात्मा होता है और ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ पाता है। आपके लिए आपकी राशि के अनुसार आपकी राशि में भविष्यवाणी हुई है कि आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है, तो ये उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। इन उपायों से नेगेटिव राहु का आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आपको शुभ ही शुभ फल मिलेगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो।